नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर रायबरेली से है, जहां बीते 23 अक्टूबर को अर्धवार्षिक परीक्षा देने जा रही इंटरमीडिएट की छात्रा को बाइक सवार युवकों ने अगवा कर लिया। छात्रा को उस वक्त अगवा किया गया जब वो अपनी सहेली के साथ स्कूल पहुंचने ही वाली थी। पुलिस इस मामले में फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। पुलिस का कहना है कि हमारा पहला प्रयास है कि छात्रा सुरक्षित रहे। पूरा मामला जगतपुर थाना इलाके के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गुरगुजपुर के पास का है। आपको बता दें, यहाँ की रहने वाली छात्रा कल अर्धवार्षिक परीक्षा के तहत इंग्लिश का पेपर देने अपनी सहेली के साथ स्कूल जा रही थी। कॉलेज पहुंचने से पहले ही छात्रा को रास्ते में ही रोककर गांव के रहने वाले शिवा ने अपने एक साथी के साथ मिलकर बाइक पर बलपूर्वक बैठाया और फरार हो गया। सहेली के शोर मचाने पर लोग इकट्ठा हुए, लेकिन तब तक मुंह पर मास्क लगाए बदमाश फरार हो चुके थे। सूचना पाकर तत्काल सीओ डलमऊ और जगतपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस बीच छात्रा के पिता ने गांव के रहने वाले शिवा व एक अज्ञात को नामजद करते हुए थाने में तहरीर दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अपहरणकर्ताओं की तलाश शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शिवा और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस की पहली प्राथमिकता है कि छात्रा सकुशल बरामद हो जाए। क्या हुआ है आज आपके साथ जो लड़की जा रही थी? मतलब हम लोग स्कूल से, मतलब घर से स्कूल जा रहे थे, और क्या कहते हैं, जब रास्ते में हम लोग पट्टी वाली सड़क पर मिले तो मतलब लाडो का पीछे से बैठी थी दो लड़के थे, और क्या कहते हैं, तो लाडो को ही ज़्यादा बदतमीजी ना करो, चले जाओ चुपचाप यहाँ से। तो बोले कि रुको, तो हमको वो बोले, तो लाडो बोली कि हम नहीं रुकेंगे, तो हमसे लाडो बोली तेज सुबह तेज से साइकिल भगाओ। फिर उसके बाद बोले कि रुक जाओ चुपचाप, और क्या कहते हैं, वो जाके साइकिल के आगे कर दिए उनके बाइक, तो वो उतर गई। फिर मतलब गिरने से बच गए और उतर गई, और तो हम कहें कि लाडो रुको ना चलो। फिर उसके बाद वो लोग खींच के क्या कहते हैं, उनको बाइक में बैठाने लगे, तो हम साइकिल तुरंत फेंके और उनको जाके पीछे से पकड़ के हमने सीटा। तब तक हमारा फिर तेज से मार दिए हमको, पीछे हम गिर गए, और उसके बाद वो लोग लेके चले गए। तो उधर से तृप्सी के पापा लौट रहे थे, हम कहे अंकल जल्दी से बचाओ बचाओ, लाडो को लेके चले गए। उसके बाद हम क्या कहते हैं, खूब तेज साइकिल चला के स्कूल में जाकर साइकिल फेंकी, तुरंत विकास सर जी के पास जाके बताया, कि सारी मैम से घर को फ़ोन कराया सर। अच्छा, उस जो पल्सर थी उसका क्या नंबर आपने याद? 21 था, इतना हम अच्छे से देख नहीं पाए। ठीक, नाम है आपका? हमारा नाम निकल किशोर बाजी। कहाँ के रहने वाले? ऑस्टिनपुर। क्या हुआ है आज पूरा मामला? आज सर हमारी लड़की पेपर देने जा रही थी, हाँ? 12 बजे। क्या नाम है? ऋचा बाजपेयी। कहाँ पढ़ती है? राजकीय बालिका कॉलेज इंटर कॉलेज गुरगुजपुर। क्या हुआ उसके साथ? उसके साथ रास्ते में सर दो लौंडे आए और मास्क लगाए हुए थे, उसको साइकिल से गिरा करके, हाँ, और उठा के लेके भाग गए। बाइक सवार कितने लोग थे? दो लोग। एक बाइक से थे जी, उठा ले गए। उसके बाद? उसके बाद सर कोई अभी तक पता नहीं चला। पुलिस को सूचना दी जी, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल रही। नहीं, अवगत कराना है कि दिनांक 23 अक्टूबर 2024 को वादिनी निवासी पूरे अवस्थी थाना जगतपुर द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर देकर बताया गया कि उसके ही गांव के शिवा व उसके साथी द्वारा वादिनी की पुत्री को स्कूल जाते समय अपहरण कर लिया गया है। प्राप्त तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में प्रकाश में आए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शुदा अभियुक्तों से पूछताछ कर टीमें गठित कर अपहर्ता की सकुशल बरामदगी हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।